नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से हम अपने YouTube ब्लॉग पे वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। 2022 में पर डे एक वीडियो हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ये हम वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को, पीपा पुल को खोल के जलयान को क्रॉस कराने का तरीका। गंगा नदी में जो चोचकपुर मार्ग पे बना हुआ पीपा पुल है, उसे भारी जलयान जब बनारस से चल के कोलकाता को जाते हैं तो इसी तरह से खोल के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजा जाता है। देखिए, एक पीछे से नियंत्रित करता है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जलयान है कि उसको दिशा देने का काम करता है। देखिए, इतना लंबा भारी बड़ा मालवाहक यान जो कि अभी खाली जा रहा है, जिसमें बालू निकालने में मदद होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे किसी सामान का को ले जाना हो तो बहुत मदद करता है। अगर हमें बनारस से कोलकाता के लिए अगर कोई वस्तु गंगा नदी के माध्यम से भेजना होता है तो इसी जलयान से होके जाता है। एक अच्छा अच्छा साधन है ले जाने का, के लिए एक अच्छा तरीका है। देखिए, ये अब जलयान जैसे ही आगे क्रॉस करेगा पीपा पुल को, फिर से यथास्थिति में चालू करने का प्रयास सब लोग करेंगे। ये दूसरा वाला जो स्टीमर है उसको दिशा देने का प्रयास वो करता है, दिशा देने का काम करता है। अगर किसी साइड में तिरछा भागता है या तो कोई टर्निंग आ जाता है तो वहाँ पे जलयान को, मालवाहक जलयान को, ये अपने धक्का देके थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। कितना अच्छा लगता है, गंगा नदी में भी एक जलयान चलता है और एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को स्थानांतरित करता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में पहली बार देखा जो गंगा नदी में यान चलता हुआ। ये चोचकपुर साइड का है, मौनी बाबा का स्थल, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पुल पे जमावड़ा लगा हुआ है पीपा पुल खुल जाने की वजह से। देखिए, वो दूसरी वाली नाव है उधर से आ रही है जो पीपा पुल को धक्का देके इस दिशा में करेगी, और जो मजबूत रस्सियाँ होती हैं उससे बांध दिया जाता है। ये देखिए, जो सामने एक डोर सी रस्सी खींची हुई है अंदर की तरफ, पानी में भीगी हुई है, वैसे ही उस पुल में भी रस्सियों से खींच के बांध दिया जाता है। देखिए, ये नाव अपनी स्पीड में आता हुआ, और वहाँ पे पीपा पुल के कर्मचारी नाव को रस्सी के सहारे खींचते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग। 6-7 घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से, यहाँ पुल पे लगे कर्मचारियों को, कि नाव आज जाएगी, है ना। देखिए, ये पीछे की तरफ लगी हुई है वहाँ पे नाव, और उसके सहारे स्टीमर है, वो स्टीमर से पीपा को ठेल ला रहा जा रहा है। जैसे ही पुल के सीधे में आएगा उसको रस्सी से कस के बांध दिया जाता है। ये चोचकपुर से धानापुर वाला मार्ग है, जो जिनको चंदौली के लिए जाना होता है वो बहुत ही मददगार होता है।
आप भी कभी चोहचकपुर से चंदौली की तरफ या चंदौली से गाजीपुर के लिए आना चाहें तो धानापुर से लगा हुआ है जो पीपा पुल, उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये भीड़ भी जमा है यहाँ पे, और ये पुल को अपनी दिशा में खींच के बांधा जाएगा। ये गंगा जी का पानी जब जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पीपा को हटा दिया जाता है ताकि बहाव में बहे ना। ये अक्सर करके बरसात के बाद से ही चालू किया जाता है, जब बरसात ख़त्म होती है। ये देखिए जल यान उधर तक गया।